नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध फार्मलैंड्स में। आज हम फिर अपने खेत में आए हैं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी इस क्यारी के बारे में, जिसका मैं नाम परसों भूल गया था। इसे कहते हैं अकरकरा। इसके बारे में डिटेल्स आपको और इंटरनेट पर मिल जाएगी। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी जो मेन उपयोग वाली चीज़ है इसकी जड़ है। ये नवंबर में इसकी नर्सरी लगाई जाती है और दिसंबर और जनवरी फरवरी में जब इसके पौधे सफिशेंट बड़े हो जाएं, जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा हो गया है, तो इसकी खुदाई करके इसकी नर्सरी लगा ली जाती है। आप देख सकते हैं आज हमारी इसकी खुदाई चल रही है और इस पौधे में ये देखिए इसकी लंबी लंबी जड़ें अभी से आ गई हैं इतनी। जब ये ट्रांसप्लांट होकर नई जगह पर जाएगा तो यही जड़ें काफ़ी लंबी हो जाएंगी और इन्हीं जड़ों से पौधा, इन्हीं जड़ों का पैसा मिलता है मार्केट में। आप वो देख सकते हैं उस वाले खेत में हमारी ट्रांसप्लांट हो रही है और इस तरह आलू जैसे खेती करते हैं, नाली बनाते हैं, इसी तरह की नाली नुमा खेत बना के उसमें हम इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो आज सिर्फ हमारा ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने का नहीं है। लेकिन अकरकरा के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूँ, इसका मार्केट में रेट 25,000 रुपये कुंटल है और ज़्यादा भी मिल सकता है। ये सब तो डिपेंड करता है अलग अलग सीज़न में क्या रेट होता है, लेकिन 25,000 रुपये कुंटल है। और इसके फूल से आप फूल को सुखा के उसका उसमें से बीज बना सकते हैं और वो बीज भी कम से कम 300-400 रुपये किलो बिक जाता है। जब इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली रेट ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो अकरकरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो लोग सोचते हैं कि टंकी कैसे लगाई जाए और तेल एरोमेटिक फसलें कैसी लगाई जाएं, लेकिन खेतों से कमाई भी करनी है, तो वो अकरकरा के बारे में सोच सकते हैं। अकरकरा, कैमोमाइल और अश्वगंधा, ये सब ऐसी फसलें हैं जो काफ़ी पैसा दे के जाती हैं। कैमोमाइल में आपको फूल की ज़रूरत होती है और अश्वगंधा और अकरकरा में आपको जड़ों की ज़रूरत होती है। ये दिखाता हूँ मैं आपको अपना, पिछले साल जब मैंने इस खेत में लगाई थी अकरकरा, सॉरी कैमोमाइल, और वो पौधे जो फूल गिर गए होंगे उन्हीं से ये ऑटोमेटिक हुआ है। इस साल मेरा अपना कोई प्लान नहीं था करने का इसकी खेती, लेकिन ये देख सकते हैं जैसे ये आपको कहीं कहीं सफ़ेद फूल दिख रहे हैं। ये पौधे कुछ बड़े हो गए हैं, लेकिन छोटे पौधे बहुत सारे हैं जो आने वाले दिनों में बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियां थी काफ़ी तो पौधों की ग्रोथ रुकी हुई थी। ये देखिए ये रहा, तो बस इस खेत की हम निराई करवा देंगे। इसी में लेमन ग्रास भी है, इसी में सरसों भी है और इसी में हमारा कैमोमाइल भी है। तो ये मिश्रित खेती का बहुत अच्छा उदाहरण अपने आप बन गया। सरसों हालांकि अभी कट जाएगी और मैं कैमोमाइल को भी उखाड़ूंगा नहीं, इसको रहने दूंगा, थोड़ी सी निराई गुड़ाई करवा देंगे खेत की। और बिना प्लान के ही हो गई ये खेती, तो अच्छा है। देख सकते हैं आप इसमें काफ़ी फूल हैं और लेमन ग्रास भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हुआ है और सरसों की कटाई चालू है। ये मेरी तुलसी है, ये है सिम सौम्या तुलसी, जो तेल निकालने के लिए सबसे अच्छी तुलसी मानी जाती है। इसका भी मेरा बीज तैयार हो रहा है, इसका बीज के लिए ही रखा है अब तक। जैसे ही इसके बीज तैयार हो जाएंगे, किसी को चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसकी खेती जुलाई से दिसंबर तक होती है, दो कटिंग होती हैं, आप इसका तेल निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो इसी के साथ दोस्तों रखता हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।